इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम लोग का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम लोगों ने पोनानी सेक्टर का 4 लाइन कंप्लीट किया और एक लाइन अभी करने का प्लान है। अभी दिन चढ़ा हुआ है तो हम इस समय का और इस शांत समुद्र का भरपूर फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 5 लाइन आज कंप्लीट कर सकें, क्योंकि हमारा टारगेट काफ़ी लंबा है और टाइम इज़ मनी, समय बचाना है और समय का सदुपयोग करना है, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अपने प्लान के अंतर्गत अपना सारा काम कर रहे हैं और ये सब तो होता रहेगा। हमारा 4 लाइन कंप्लीट हो चुका है, अभी होने वाला है और थोड़ी देर में 5वां लाइन स्टार्ट करेंगे और सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है बढ़िया। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गया, एक लाल झंडा हम लोग को दिखा है और बीच समुद्र में, तो हम लोग थोड़ा सा टर्न लेके आ गया है। ये सब तो होती रहती है, यहाँ पे केवल हम लोग अकेले नहीं है, मछली वाले जहाज जो लोकल पीपल्स हैं जो मछली का शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, वे सारे यहाँ पर हैं। क्योंकि सिग्नल नहीं मिल रहा था तो यहाँ पर बहुत सारी मरी हुई मछलियाँ दिखाई दे रही थी शांत समुद्र के बीच में तैरती हुई। तैर तो नहीं रही थी, मतलब उसी पे ही, तो मैं आपको वो दिखा नहीं पाया। और हमारे साथ में आज नए चीफ साहब जो है, बड़े साहब शिप के जो चीफ इंजीनियर हैं, वो ज्वाइन किए हैं। काफ़ी शांत स्वभाव के, काफ़ी काम के प्रति डेडिकेटेड ये हैं। इन्होंने जीसाई के साथ काफ़ी वोयाज किया हुआ है कौस्तुभ में, ये इस बारे में ज्वाइन किए हैं। ये है अरविंद यादव साहब, इन्होंने नेटवर्क चैलेंज कर रहा है तो थोड़ा सा रुक रुक के आएगा वीडियो, तो क्षमा चाहेंगे। यहाँ पे ढेर सारा मछली का जहाज, मछली बोट है, ये सामने देखिए, ये पीछे में देखिए, सब अपनी जीविकोपार्जन के लिए समुद्र पे निर्भर करते हैं, काफ़ी मछलियाँ पकड़ते हैं, हम लोग तक पहुँचाते हैं। ये शाम का ये शांत मनोरम दृश्य देखिए, शांत समुद्र और सूर्य चमकता हुआ, उसकी प्रतिछाया जो है वो समुद्र पर पड़ रही है, समुद्र के प्रोपेलर से जल का मंथन हो रहा है और लहरें बन रही हैं, जिससे कि जो सूर्य की प्रतिछाया है वो फिरती हुई नज़र आ रही है। इतना सुंदर दृश्य आप शायद बनाते होंगे, इमेजिन करते होंगे, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप इस समय को अपने ध्यान में बदल सकते हैं, ये सुंदर समय जो हम लोग बीच में जाते हैं, देखते हैं, थोड़ा शांति मिलती है ऐसा ऐसा नज़ारा देखने में। आप भी इसको देख के और ध्यान लगा सकते हैं, इष्ट देवता को याद कर सकते हैं। ये सब देख के बहुत ही मन को शांति, सुकून और आनंद मिलता है ना। मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ, आप लोग ध्यान लगा सकते हैं।
समुद्र, लहरों का कल कल, सूर्य की प्रतिछाया, ऊपर सूर्य का तेज, मंद मंद चलती हवा, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर। दिन भर का सारा थकान जो है वो ऐसा नज़ारा देख के, ऐसा मौसम का अनुभूति देख के, हमारे पुरुष सर भी आए हैं, थोड़ा उनका अनुभव ले लेते हैं, भाग गए। नहीं करेंगे, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, नहीं करेंगे, आ जाइए आइए आइए, नहीं कर रहे हैं, उधर दिखा रहे हैं, आपको दिखाएं, भाभी जी को दिखा देंगे, भाभी जी को है, कह दीजिए। हमारी मैडम के लिए है ये स्पेशली, दिखा रहे हैं, उसके साथ बैठ के तो बीच में नज़ारा नहीं देख पा रहे, सोच रहे इधर ही से दिखा दें। बचपन में जब हम लोग बदमाशी करते थे, छोटे छोटे थे, तो हमारे स्कूल की शिक्षिका जो थी, मैडम जो थी, क्लास टीचर जो रहती थी, जो लास्ट पीरियड में हम लोग का क्लास लेती थी, तो क्लास को शांत करने के लिए वो सुला देती थी और कहानी सुनाया करती थी कि आप ऐसे जगह के इमेजिन करो कि आप इतने शांत जगह पे बैठे हो जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ऐसे दृश्य का आप इमेजिन करो, अनुभूति लो, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सुकून महसूस होता है। तो अक्सर मेरे दिमाग में जो पहला ख्याल आता था वो ऐसे ही आता था कि कहीं किसी नदियों के किनारे में, नदी के किनारे में गांव का माहौल है, नदी का किनारा है, सामने से नदियों का पानी का कलकल का आवाज़, शांत वातावरण में मंद मंद चलती हवा और उस पर से पत्तों का हल्का सा शोर और सांझ ढलता हुआ और चांद चढ़ता हुआ, ऐसा मतलब इमेजिन करते थे और बहुत मन को सुकून मिलता था। और वही सब हम लोग सीनरी में ड्रॉ भी किया करते थे, आँखों को जो सुकून देने वाला एहसास होता था, जैसे रंग को लेके हुआ, वातावरण को लेके हुआ, या फिर आप कह लीजिए कि उस नज़ारा को, जो सीनरी था उसको देख के, जो हम लोग कलर्स वगैरह यूज़ करते थे सूर्य को दिखाने के लिए, पानी को दिखाने के लिए, आसपास का माहौल दिखाने के लिए, तड़कीला भड़कीला नहीं, ऐसे ही मतलब सोबर कलर जिसको कहते हैं, जो आंखों को ठंडक देता था, सुकून देता था, तो उसको हम लोग इमेजिन करके, हम लोग छुट्टी होने तक जो 15 मिनट का समय रहता था उसको हम लोग इमेजिन करते थे। यकीन मानिए, मतलब इतना तरोताज़ा महसूस करते थे उठने के बाद, और एनर्जेटिक रूप से हम लोग, मतलब छुट्टी का घंटी लगा और फुर्र से भाग जाते थे। और घर पहुँचने के बाद फिर वो था सारा थकान जो दिन भर हम लोग स्कूल में पढ़ाई में लगाते थे वो कहाँ चला जाता था पता नहीं, फिर शाम को हम लोग दोस्तों के साथ खेलने के लिए भाग जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता है बचपन का याद, जब आप इस तरह का चीज़ याद करते हैं, अपने बचपन में चले जाते हैं, फिर से बच्चा बनने का इच्छा करता है। तो ऐसी बहुत सी यादें हैं जिसको आप अपने पूरे समय में याद कर सकते हैं कि आपके जीवन में कितना अच्छा समय गुजरा है, जिसको आप दोबारा पाना चाहते हैं, दोबारा वो समय जीना चाहते हैं, ताकि आप वर्तमान के चैलेंजेस से जो आपका मनोबल टूट जाता है, या फिर आपको कई कई लोगों में जीने की इच्छा नहीं करती, या फिर बहुत सारे लोग जो नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आ जाते हैं, तो ऐसे ही किसी वातावरण में आप जाने का प्रयास करते हैं कि निकलने के बारे में सोचते हैं और आपको कोई बताने वाला नहीं होता है, तो ये वो ऐसा नज़ारा है, ये वो ऐसा समय है जिसको आप देख कर, महसूस करके, उस जगह में अपने आप को डाल के, अनुभूति लेते हुए
आप अपने आप को शांत कर सकते हैं, मन में बुरे ख्याल जो आते हैं उनको आप रोक सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ये सब चीज़ है जो आपको नेचर से गिफ्ट मिलता है, एक पॉजिटिविटी का एक वाइब्रेशन मिलता है। जैसे सूर्य जो है वो अपने पूरे तेज से चमकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो आसपास की काली घटा है, जो बादलों का ग्रुप है, वो उसके रोशनी को, तेज को मध्यम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी सूर्य जो है वो अपना प्रकाश देना नहीं छोड़ता और बादलों के बीच से ही वो कोशिश करता है अपने तेज को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल हम लोग को भी ऐसे ही अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए कि जब कभी ऐसा सिचुएशन आए कि जब आपको लगे कि मुसीबतों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, या फिर आप किसी भी तरीके से किसी प्रकार का आप नेगेटिव थॉट्स के बीच में फंस गए हैं, लोगों के बीच में फंस गए हैं जो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं बल्कि डिमोरलाइज कर रहे हैं, आपके फुल एफर्ट्स के बावजूद भी आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको अच्छा काम करने के लिए प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मनुष्य का सारा जीवन जो है वो कर्म पे ही बेस्ड है ना। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल। क्योंकि हम जो इंसान हैं वो मतलब नश्वर हैं, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, कल आज हमारे जो बॉस हैं कल वो हमारे बॉस नहीं रहेंगे, हो सकता है उनकी जगह पे कोई और आ जाए, है ना। तो अच्छे काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल एक समझ लीजिए जो आप पौधा उगाने के बारे में, पेड़ लगाने के बारे में सोचते हैं, अगर आप नर्सरी से पेड़ ले आके रोप के छोड़ देंगे तो वो उतना जड़ नहीं पकड़ पाता है, और कभी कभी ठीक से जड़ नहीं पकड़ पाने के कारण वो सूख भी जाता है, चाहे आप जितना भी उसको पोषण दे दो, है ना। लेकिन यदि आपने अच्छा बीज चुना है, है ना, अच्छा बीज चुनेंगे, उसको अच्छे जगह पे आप सेलेक्ट करके उसको डाल देंगे और उसका सेवा करेंगे, पानी देंगे, खाद देंगे समय से, सारा कुछ जो भी बायोडिग्रेडेबल है, जो आप उत्तम खाद पदार्थ जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई रासायनिक तत्व तो नहीं, तो आपका जो मेहनत है वो एक अच्छे वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में, पेड़ के रूप में आपको मिल जाता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है अपने जड़ से कि आंधी तूफान हो या फिर कोई भी ऐसा बुरा सिचुएशन, वो उसमें अड़िग रहता, खड़ा रहता है ना, और समय से अच्छा फलता भी है और लोग जो होते हैं वो आनंद ले पाते हैं। आप अच्छे कर्म करते चले जाएं, है ना, फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये कर्म विशेष, ये कर्म भी जो है बिल्कुल बीज की तरह होते हैं जो आप बोते चले जाते हैं, और उसका रिटर्न आपको कब और किस तरह से मिलेगा ये आप नहीं सोच पाएंगे, है ना। जैसे किसान होता है, बीज बोता है, कौन सा बीज फलेगा, कौन सा बीज सूखेगा उसको पता नहीं है, लेकिन जब फसल लहलाता है तो उसका सारा जो कष्ट है वो जो उसने भोगा था बीज बोते के समय, उसको सिंचाई देते के समय, बढ़ाने के समय, वो सारा कुछ भूल जाता है। वैसे ही आपको भी अपने जीवन में पॉजिटिव रहते रहना चाहिए, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, गीता का भी जो सारांश है, ज्ञान है, वो यही है कि आपको कर्म किए जाना है, आपका कर्म आपके लिए फलेगा, किसी और के लिए नहीं, और वो रिटर्न मिलना ही मिलना है किसी भी तरीके से। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। ये देखिए बादलों का पूरा जोर लगा हुआ है सूर्य की लालिमा को, सूर्य की तेज को छुपाने के लिए, लेकिन फिर भी सूर्य अपने को आपको सर्वाइव कर रहा है। वो तेज उसका इतना है कि वो अभी भी पूरे आकाश को, पूरे ब्रह्मांड को अभी भी अपनी रोशनी से प्रकाशित किया हुआ है, है ना। तो इसी तरह से थोड़ा सा धूमिल हो जाने से इसका मतलब अंधेरा छा गया, ऐसा नहीं है। आपका प्रकाश जो है वो फैलेगा, दिखेगा, लोगों को आकर्षित करेगा, है ना। ये है, जब तक
तक वो वापस आता है तब तक हम आपको आसपास का भी नज़ारा दिखा देते हैं। दूर दूर तक समुद्र जो है एकदम बिल्कुल शांत झील की तरह बना हुआ है। बहुत फेवरेबल कंडीशन है हम लोग का काम करने के लिए, परेशान नहीं कर रहा है। और हम लोग ऐसे ही समुद्र का इमेजिनेशन करते हैं कि जब हम लोग काम करने आए तो समुद्र शांत रहे, हमारा तबीयत अच्छा रहे, समुद्र में हलचल कम होगी तो शिप भी कम हिला डुला करेगा तो हम जो है वो अपना काम जो आसानी से साथ कर सकते हैं, तबीयत ख़राब नहीं होगा, खाना पीना सही से होगा, काम सही से होगा और टारगेट का अचीवमेंट भी सही से होगा। तो ये सारा कुछ है ना, इसीलिए हम लोग को भी पॉजिटिव रहना चाहिए, ब्लड के रूप में नहीं। जिनका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव ही हो जाते हैं, है ना। तो जो भी है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, एक माइंड सेटअप की बात कर रहा हूँ कि हमको हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मक सोचेंगे तो आपको आइडियाज़ आएंगे नए नए काम करने के, चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो बुद्धि है आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो चैलेंजेस आने ज़रूरी हैं और आपको ईश्वर का भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि चैलेंजेस जो वो आपके जीवन में भेजता है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भेजता है, आपको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं। चैलेंजेस उसी क्षेत्र में आते हैं जहाँ पे आपकी कमजोरी है, आपको सीखना है, आपको उसको क्या कहेंगे उसको मॉडिफाई करना है। तो चैलेंजेस उस क्षेत्र में आते हैं। अगर आप अच्छा पढ़े लिखे हैं तो आपको उस प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट ख़राब है, टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके से, या फिर आप वर्क को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे सही से, तो चैलेंजेस वहाँ पे ज़्यादा आते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम को कैसे मैनेज करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप छोटे 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 भागों में बांट सकते हैं, एक डेली रूटीन बना सकते हैं। कोशिश तो यही होती है कि आप सबसे पहले अपना एक डेली टाइम टेबल शेड्यूल बनाएं, सुबह उठने का बनाएं, रात को सोने का बनाएं, खाने पीने का बनाएं, काम करने का बनाएं। अगर कोई जॉब में कोई स्टूडेंट है तो अपना 8 घंटा का रूटीन जो है वो उसमें फॉलो करें, है ना। जितने सब्जेक्ट हैं उसको बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे तभी जाके आपको हर एक सब्जेक्ट को टच करने का मौका मिलेगा, है ना। जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, कमांड है, तो आप उसमें थोड़ा सा समय कट कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा करना है उसमें थोड़ा ज़्यादा उसमें एडअप कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपने सेहत का भी ख्याल रखना इसी तरीके से होता है। पढ़ाई में केवल खो नहीं जाना है, पढ़ाई के साथ साथ अपने आपको ध्यान भी देना है सेहत के बारे में। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का, स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप स्वस्थ दिमाग को कैसे पा सकेंगे, है ना। तो आप जितना भी पढ़ाई करो, जितना भी सब कुछ करो, अगर आपका सेहत ख़राब है तो आप मतलब इनकम्प्लीट है। दिखा दिया आप लोगों को, अभी बादल का एक पूरा बड़ा घेरा आया हुआ है, अभी निकलने में उसको समय लगेगा। और शाम हो रही है, मछली वाले जहाज जो है वो बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं और हम लोग अपने चौथे लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। चौथे लाइन के बाद पांचवी लाइन में भी जाने का प्रयास करेंगे, होप सो कि हम लोग आज उसको कंप्लीट कर सकें। समय को देखते हुए डायनेमिक डिसीजन भी लेना पड़ता है, हो सकता है कि ना भी करें, डिपेंड करता है हमारे बड़े साहब लोगों पर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं तो अपना इवनिंग का शेक ले रहा हूँ और काम करते हुए अपने सेहत का भी ख्याल रख रहा हूँ, सेहत को भी देख रहा हूँ। आप लोग भी अपने सेहत का ख्याल रखिए।
समय से खाइए पीजिए, समय से जागिए, समय से सोइए, है ना। आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका फोकस जो है वो बाकी चीज़ों में लगेगा, दूसरे काम करने में आप लोग ध्यान लगा पाएंगे। आपकी एबिलिटी अगर सोचने समझने की बढ़ जाएगी, याद करने की बढ़ जाएगी, तो आपके पास नए नए चीज़ों को सीखने के लिए वक्त निकल आएगा, है ना। तो ये सब है ओवरऑल वेल बीइंग इसी को कहते हैं कि पहले फिजिकल हेल्थ से आप स्टार्ट करिए। फिजिकल हेल्थ सुधर जाएगा तो आप मेंटल हेल्थ की ओर कंसंट्रेट कर पाएंगे, और फिजिकली हेल्थ के साथ साथ आपका मेंटल हेल्थ जो है वो कनेक्टेड है। जैसे जैसे आपका बॉडी जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा, वैसे वैसे ही आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होता जाएगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हुआ आपके साथ। और वैसे ही जब आपके पास समय अच्छा हो गया, आपका शरीर स्वस्थ हो गया, आपका दिमाग स्वस्थ हो गया, है ना, तो आप स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, है ना। जो लोग मन को शांत करने के लिए जो आप अपने चक्रास को डेवलप करना चाहते हैं, वो लोग भी इस चीज़ के द्वारा अपने आप को और भी एनहांस कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने काम पे तरक्की पाइए, है ना। कोशिश करिए अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए, सीखने के लिए तैयार रहिए। सीखेंगे, सीखने के लिए तैयार रहेंगे, टीचेबल रहेंगे, तो आपको नए नए रास्ते मिलते चले जाएंगे और आप सीखते चले जाएंगे, है ना। इतनी बातों के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।